गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 6, ओके, पेज नंबर 50। तो चैप्टर 6, गौरी एंड हर ग्रैंड फादर, है ना, गौरी और उनके और ग्रैंड फादर मीन्स आपके जो दादाजी होते हैं उनको हम लोग ग्रैंडफादर बोलते हैं, है ना। तो गौरी है और उनके दादाजी हैं, है ना। तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। इसका नो एंड अंडरस्टैंड हम लोग पिछले दिनों में हम लोगों ने करा था। अब हम लोग स्टोरी को पढ़ते हैं। पेज नंबर 50 पे आप लोग ध्यान देंगे। It has been 2 weeks since your mother brought you to the village. Soon it will be time for you leave, Gauri's grandfather said. It has been 2 weeks since your mother brought you to the village. Soon it will be time for you to leave, Gauri's grandfather said. यानी गौरी के जो grandfather हैं, है ना, वो कहते हैं कि तुम्हारी माँ को गांव में आए हुए 2 सप्ताह हो गया, है ना। इट हैज बीन 2 वीक्स सिंस योर मदर ब्राउट यू टू द विलेज, यानी तुम्हारी माँ को गांव में आए हुए 2 सप्ताह हो गया है। सून इट विल बी टाइम फॉर यू टू लीव, यानी जल्द ही जो है ही तुम्हारे जाने का समय हो जाएगा, ऐसा उसके दादाजी बोलते हैं। नो अज्जा, आई वॉन्ट गो, गौरी रिप्लाइड, आई विल स्टे हेयर विद यू। वो अपने दादाजी से बोलती है कि दादा को और ग्रैंड फादर को अज्जा बोलती है, AJJA, अज्जा, है ना। नहीं अज्जा, मैं नहीं जाऊंगी। और गौरी ने जवाब दिया कि मैं आपके साथ ही यहाँ रहूंगी। ओके, तो गौरी बोलती है कि मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं आपके साथ ही रहने वाला हूँ, है ना। नो अजा, आई वॉन्ट गो, गौरी रिप्लाइड, आई विल स्टे हेयर विद यू, बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। वॉट अबाउट स्कूल, अजा आस्क्ड, वो पूछते हैं, अजा यानी ग्रैंडफादर पूछते हैं कि वॉट अबाउट स्कूल, स्कूल का क्या हुआ। सिंपल, नो स्कूल, गौरी ग्रिंड, है ना, वो कहती है, वो मुस्कुरा करके कहती है, स्माइल ब्रॉडली, ग्रिंड यहाँ पे एक वर्ड है, GRINED, ग्राइंड, ग्रिंड मीन्स होता है ब्रॉडली स्माइल्ड, यानी वो बोलती है सिंपल नो स्कूल, है ना। और गौरी ये मुस्कुरा कर कहती है, गौरी ग्रिंड। हाउ विल यू लर्न देन, यू हैव सो मेनी सब्जेक्ट्स, अज्जा पॉइंटेड आउट, है ना। फिर अजय कहते हैं कि तुम कैसे सीखोगी, तुम्हारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे विषय हैं, है ना। देयर इज ए साइंस, यू शोड मी द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स एंड द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, रिमेम्बर, है ना। कहते हैं कि देयर इज ए साइंस यानी विज्ञान है, आपने मुझे पौधों के जो लाइफ साइकिल है वो दिखाया है, लाइफ साइकिल यानी पौधे का जीवन चक्र, है ना। और पार्ट्स ऑफ फ्लावर यानी फूलों के जो पार्ट्स हैं उनको दिखाया है, आपको याद है। कहता यू एंजॉय डेट, अज्जा सेड, यू एंजॉय डेट, है ना, आपने इसका आनंद लिया। इट वॉज मच बेटर देन लर्निंग फ्रॉम ए टेक्स्ट बुक, है ना। कहता कि इट वॉज तो बोलते हैं यू एंजॉय डेट, अज्जा सेड, इट वॉज मच बेटर देन लर्निंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, है ना। वो कहती है कि ये जो था मतलब जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं यानी बुक होते हैं उससे सीखने की तुलना में यह बेहतर था। आई कुड स्मेल द फ्लावर एंड फील इट्स पेटल्स, है ना, मैं फूलों को
आई कुड स्मेल द फ्लावर्स एंड द फील इट्स पेटल्स. वो बोलती है कि मैं फूलों को मैं फूल को सूंघ सकता था और इसकी पंखुड़ियों को महसूस कर सकता था, है ना. आई फील स्मेल द फ्लावर्स एंड फील इट्स पेटल. आई लाइक सीइंग थिंग्स माई सेल्फ. आई लाइक सीइंग थिंग्स फॉर माई सेल्फ. ओह अज्जा वी कैन वॉच वर्ल्ड्स सोअर एंड गेज एट द स्टार्स, गौरी सेड विस्टफुली. यहाँ पे दो वर्ड्स हैं. सोअर मीन्स होता है फ्लाई हाई इन द स्काई, यानी आकाश में काफी ऊपर उड़ना, है ना. एंड ए विस्टफुल मतलब विथ ए फीलिंग और लॉन्गिंग मतलब चाहत, है ना. तो आई लाइक सीइंग थिंग्स फॉर माई सेल्फ. ओ अज्जा वी कैन वॉच वर्ड्स सोअर एंड गेज एट द स्टार्स, गौरी सेड विस्टफुली, है ना. तो वो कहते हैं कि मुझे जो है चीजें जो है खुद के लिए ये चीजें देखना बहुत ही पसंद है. और ओह अज्जा हम पक्षियों को ऊंची उड़ान भरते भर सकते हैं उड़ान भर सकते हैं और सितारों को टकटकी लगाकर देख सकते हैं देखते हैं, गौरी ने कहा, है ना. ऑब्जर्विंग नेचर एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ इट वर्क्स इज व्हाट साइंटिस्ट डू. ऑब्जर्विंग नेचर यानी ऑब्जर्व का मतलब था किसी भी चीज का अवलोकन करना, उसके बारे में इंस्पेक्शन करना, देखना, जांचना, है ना. तो यानी ऑब्जर्विंग नेचर यानी प्रकृति का अवलोकन, है ना, करना और यह समझना कि हाउ इट वर्क्स इज व्हाट साइंटिस्ट डू, कि ये कैसे काम करता है, है ना. चीजें जो है ये नेचर्स में चीजें जो है वो कैसे काम करती है और साइंटिस्ट जो है यानी वैज्ञानिक जो है जो वैज्ञानिक करते हैं, है ना, वो चीजों को समझना और देखना है. अज्जा एग्रीड यानी उनके ग्रैंडफादर जो है वो सहमत हो जाते हैं. द साइंटिस्ट सीवी रमन वॉन्डर्ड व्हाई द सी इज ब्लू. He began to study light and his research led to a major discovery. Of the scientist, C.V. Raman wondered, yani jo vaigyanik hai C.V. Raman, wo sochte hai, the scientist C.V. Raman wondered why the sea is blue, yani samudra ka jo color hai, wo blue kyu hai, hai na, sea is blue, why the sea is blue. He began to study light and his research led to a major discovery. तो वो जो है उन्होंने इस चीज पर रिसर्च करना शुरू कर दिया यानी लाइट पे, है ना. ही बिगेन टू स्टडी लाइट यानी वो लाइट पे प्रकाश पे जो है स्टडी उसका अध्ययन करना जो है उन्होंने शुरू कर दिया. और उनके शोध से रिसर्च से एक बहुत बड़ी खोज हुई, है ना. And his research led to be a major discovery. और उनके खोज से जो है एक बहुत बड़ा शोध जो है वो पता चला, एक बहुत बड़ी खोज का पता चला, है ना. I will think about nature's mysteries too, गौरी beamed. देखिए यहाँ पे mysteries word है. Mysteries का मतलब होता है unknown things यानी जो रहस्य होते हैं जिसको हम लोग नहीं जानते हैं. Mystery means होता है रहस्य. और beamed 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 का मतलब होता है gave a bright smile, है ना. तो I think about nature's mysteries, है ना, to गौरी beamed यानी मैं प्रकृति के रहस्यों प्रकृति के रहस्यों के बारे में सोचूंगी, गौरी मुस्कुराते हुए, है ना. वो बोलती है आह ए यंग साइंटिस्ट हाउ विल यू प्रैक्टिस मैथ दो अज्जा आस्क्ड, है ना. तो आह वो उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं आह ए यंग साइंटिस्ट, है ना, आह एक युवा वैज्ञानिक, है ना, हाउ विल यू प्रैक्टिस मैथ दो, कि आप मैथ का अभ्यास कैसे करेंगे. आस्क अज्जा,
है ना, जा आस्क्ड या जा पूछते हैं, वो बोलती है वी विल काउंट कोकोनट्स एंड डू सम प्रॉब्लम सॉल्व, है ना, हम नारियल गिनेंगे और रकम एंड सम्स प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम सॉल्व्स, और उसको मतलब नारियल को गिनेंगे और सम करेंगे यानी जोड़ करेंगे, जोड़ बनाएंगे, जोड़ेंगे, एड्स करेंगे, है ना, और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. ओके, यू ऑल्सो हैव एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज एट स्कूल, अज्जा रिमाइंडर हर, यानी उनके ग्रैंडफादर बताते हैं कि तुम्हारे स्कूल में और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर हैं, बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं, बहुत सारी गतिविधियां हैं, उनको भी आपको करना है, ये अज्जा उनको और याद दिलाते हैं. तो बोलती है आई डिग पिट्स एंड क्लिम्ब ट्रीज हेयर, मैं यहाँ गड्ढे खोदती हूँ और पेड़ लगाती हूँ. डेट्स मोर देन वी डू इन स्पोर्ट्स पीरियड, सेड गौरी, है ना, वो कहती है कि गौरी आई डिग एंड क्लिम ट्रीज हेयर डेट्स मोर देन वी डू इन स्पोर्ट्स पीरियड, कि हम लोग वो कहती है कि मैं यहाँ गड्ढे खोदती हूँ और पेड़ लगाती हूँ. और गौरी ने कहा कि खेल का जो पीरियड होता है यानी खेल का जो अवधि होता है ना, में हम जितना करते हैं उससे ये अधिक है. वी ड्रॉ रंगोलीज एवरी डे, हम हर रोज जो है रंगोली बनाते हैं. वी सिंग फॉक सॉन्ग्स वाइल वी सो एंड वेन इट्स रेन, है ना, और जब हम बोते हैं और जब बारिश होती है तो हम लोकगीत गाते हैं, यह कला और संगीत है ना. डेट्स आर्ट्स एंड म्यूजिक, अज्जा नोडेड. आई कैन स्टे हेयर, गौरी कंक्लूडेड, है ना. अज्जा ने सिर हिलाया, अज्जा नोडेड मतलब सिर हिलाना, नोडेड का मतलब होता है सिर हिलाना. आई कैन स्टे हेयर, गौरी कंक्लूडेड, गौरी बोलती है कि क्या मैं इसको यहाँ रख सकती हूँ. गौरी निष्कर्ष निकालती है, कंक्लूड करती है, कंक्लूडेड. वॉन्ट यू मिस प्लेइंग विथ योर क्लासमेट्स, अज्जा आस्क्ड, क्या आप अपने सहपाठियों के साथ खेलना नहीं भूलेंगे, अज्जा पूछते हैं, है ना, अज्जा पूछते हैं. गौरी हैड नॉट थॉट अबाउट दैट, माई फ्रेंड विल मिस मी, है ना. तो गौरी हैड नॉट थॉट अबाउट दैट, तो गौरी ने उस बारे में सोचा ही नहीं था. बोलते माई फ्रेंड विल मिस मी, है ना, मेरे दोस्त जो हैं वो हमें मिस कर रहे होंगे, मुझे याद करेंगे. You could go to school and spend the vacation here, अज्जा said gently, है ना. अज्जा जो है गौरी से कहते हैं कि आप स्कूल जा सकते हैं और यहाँ छुट्टियाँ बिता सकते हैं, गौरी को जो है उनके अज्जा जो है उनसे कहते हैं बहुत ही आराम से, said gently, right ना. गौरी hugged her grandfather, गौरी जो है वो अपने grandfather को गले लगती है. I will be बैक सून, और कहती है कि मैं जल्द ही वापस आऊंगी. वी हैव हॉलीडेज इन 4 months, है ना, हमारी 4 महीने में छुट्टियां हैं. वी हैव हॉलीडेज इन 4 months, वी विल बी हेयर इन टाइम फॉर हार्वेस्ट फेस्टिवल, स्माइल्ड अज्जा, है ना, कहती है कि आप फसल के उत्सव के समय पर यहीं पहुंचेंगे, है ना. यू विल बी हेयर इन टाइम फॉर द हार्वेस्ट फेस्टिवल, यानी हार्वेस्ट फसल का जो त्यौहार होता है, उत्सव होता है, उस टाइम आप यहीं पे रहेंगे, है ना, स्माइल्ड अज्जा, यानी अज्जा जो है मुस्कुराते हुए कहते हैं. तो ये स्टोरी था आपका, ये समाप्त हो गया. अब इस स्टोरी को आप लोग खुद से भी एक बार पढ़िए और रिवाइज करिए, फिर इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग आगे करेंगे, ठीक है. और इसके जो वर्ड्स हैं जितने भी इसमें दिए हुए हैं, ग्रिंड मतलब होता है स्माइल, ब्रॉडली मतलब काफी जो मुस्कुराना अच्छे से, है ना. तो मुस्कुराना,
फिर सोर है मतलब आकाश में काफी ऊंचे उड़ना, विस्टफुल मतलब फीलिंग ऑफ लॉन्गिंग है ना, चाहत होना, रिसर्च फैक्ट फाइंडिंग मतलब शोध करना, डिस्कवरी का मतलब होता है खोज, एंड एक्ट ऑफ फाइंडिंग द फैक्ट। तो इस तरह से सारे वर्ड्स के मीनिंग आपके नीचे भी दिए हुए हैं बुक्स में, आप इसको जो है रिवाइज करें, रिमेम्बर करें, बुक्स को रीड करें, और इसके बाद नहीं हुआ तो मैं हिंदी में सारे वर्ड्स का मीनिंग लिख दूंगा, चैप्टर वाइज आप उसको नोट करते चलेंगे। ठीक है, इसको रीड करिए और पढ़िए, फिर हम लोग अगली क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। ओके, हैव ए गुड डे।